हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैभव नाडकर्णी, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ, के जवाब के साथ। कई लोग पूछते हैं कि हमारी नसबंदी हो गई है, यानी कि हमने ऑपरेशन करवा लिया था, लेकिन किसी कारण से मुझे वो ऑपरेशन खुलवाना है, या नसबंदी के बाद अब हमको बच्चा चाहिए, तो क्या वो मुमकिन है? मतलब कारण कई सारे होते हैं वापस बच्चा करने के। कई लोगों के अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे होते हैं उनका की डेथ हो जाती है या वो मृत्यु हो जाती है, उस कारण उनको वापस कर बच्चा करने की आशा होती है। या फिर कई लोगों के की दूसरी शादी हो जाती है, मान लो फर्स्ट मैरिज वर्कआउट नहीं करी और उस टाइम पे नसबंदी हो गई थी, अब वापस शादी करी है और वापस बच्चा चाहिए लेकिन नसबंदी हो चुकी है, तो क्या रिवर्सल यानी कि ट्यूब खुलवाने का ऑपरेशन करवाना चाहिए या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी से ही एक लास्ट ऑप्शन है? इसका जवाब लेकर मैं आया हूँ। तो नसबंदी जो है वो दो तरीके की होती है, एक तो खुल पेट खोल के जो करी जाती है डिलीवरी के बाद, वो जिसको एब्डोमिनल ट्यूबल लाइगेशन बोलते हैं, या फिर दूसरा होता है जो दूरबीन से होता है, लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन, लैप टीएल जिसको कहते हैं। अगर इन तरीकों से अगर आपकी नसबंदी हुई है तो ट्यूब खोलने का ऑपरेशन, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, माइक्रो सर्जरी है ये, ट्यूबर ट्यूबल एनास्टोमोसिस बोलते हैं उसको, लैप दूरबीन के द्वारा या फिर पेट खोल के भी ये किया जा सकता है। पर अगर आपके आपका ऑपरेशन खुलवाना है तो दो चीजों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तीन चीजों का। एक, बच्चेदानी आपका जो यूट्रस है वो नॉर्मल होना चाहिए, हस्बैंड के स्पर्म काउंट्स नॉर्मल होने चाहिए और आपके एग काउंट्स नॉर्मल होने चाहिए, यानी कि ओवेरियन रिजर्व यानी कि जितने बीज आपके शरीर में है वो नॉर्मल होने चाहिए। कई लोग लेट उम्र में खुलवाते हैं, पर लेट उम्र में खुलवा के जब बीज खत्म हो गए किसी स्त्री के, ये ऑपरेशन करने का मतलब नहीं। ट्यूबोट्यूबल एनास्टोमोसिस का जो ऑपरेशन है ये दूरबीन से या पेट खोल के किया जा सकता है, लेकिन ये सर्जरी काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें खर्चे के अलावा जो उसके बाद जो ध्यान रखना होता है वो है कि 3 से 4 महीने आप बच्चा नहीं कर सकते, और जब खुलने का ऑपरेशन हो जाता है फिर ट्यूब खुली है कि नहीं वो जाँच फिर करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको नेचुरली बच्चा होने की संभावना होती है। अब सक्सेस रेट की अगर बात करें कि कितना परसेंट सक्सेस रेट है नसबंदी खुलवाने के ऑपरेशन का, तो वो मात्र 10 से 20% के बीच में वेरी करता है। यानी कि अगर 10 लोग अपना ऑपरेशन करवाते हैं खुलने का नसबंदी, तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो पाते हैं, बाकी 8 नहीं होते। तो आते हैं सॉल्यूशन पे, तो क्या हमको आईवीएफ कराना चाहिए? जी हाँ, पहले के जमाने में जब आईवीएफ की सुविधा नहीं होती थी तब कई लोग ये खुलवाने का ऑपरेशन करके ही आगे बढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे आईवीएफ ज्यादा किफायती हो गया है, ज्यादा कम खर्चे में हो सकता है अब आईवीएफ, इसीलिए अब पूरी दुनिया आईवीएफ की तरफ ज्यादा मुड़ रही है, और आईवीएफ में सक्सेस रेट्स भी 60 to 70% होते हैं, यानी कि 10 में से 6 से 7 लोग हो जाते हैं प्रेग्नेंट और 3 या 4 नहीं होते, तो ये सक्सेस रेट जो है वो ज्यादा इस चीज में मैटर करते हैं मोर देन कॉस्ट। सो दैट इज वाई अगर नसबंदी खुलवाना चाहते हो तो आप कर जरूर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास उम्र है तो, अगर उम्र बड़ी है तो आईवीएफ ही एक रास्ता है, अगर उम्र है तो आप खोल के कोशिश कर सकते हो कि हाँ ट्यूब खुलवा ली है और हम आगे करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ तो आईवीएफ भी आगे ऑप्शन आपके पास रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।